योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है। आज योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के साधु संतों से मुलाकात की। साधु संतों ने यूपी सरकार से जल्द राम मंदिर निर्माण की मांग की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर था, मंदिर है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने यह बात भी जरूर कही कि राम मंदिर का निर्माण सरकार संविधान के दायरे में ही करेगी। तो आज दूसरा दिन जब अयोध्या में है योगी आदित्यनाथ, और इस मौके पर उन्होंने राम मंदिर को लेकर यह कहा कि संविधान के दायरे में निर्माण होगा। हमारे साथ हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कल आपने छोटी दिवाली बड़ी दिवाली जैसी मना दी अयोध्या में और फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, पर आगे क्या? क्योंकि जब आप भाषण दे रहे थे तो लोग नारे लगा रहे थे योगी जी ये काम करो, मंदिर का निर्माण करो। मुझे लगता है कि वे जन भावनाएँ हैं, जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, और मुझे लगता है कि संवैधानिक दायरे में रह करके जो भी संभव होगा हम इस समस्या का समाधान निकालेंगे। और अयोध्या को उसकी पहचान दिलाना, अयोध्या की आस्था का सम्मान होना, अयोध्या का सर्वांगीण विकास होना, ये हमारी प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक सवाल ये था कि जब स्टार प्रचारक बन के मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जाएंगे तब भी हो सकता है लोग आपसे सुनना चाहें कि मंदिर कब बनेगा, तारीख कब? जो हमने कहा है जनता यही चाहती है, और जन भावनाओं के अनुरूप हमने कहा है आगे भी जन भावनाओं का सम्मान पूरी तरह किया जाएगा। तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो ये जन भावना है, जन भावना का सम्मान किया जाएगा, लेकिन संविधान के दायरे में राम मंदिर का निर्माण होगा, ये कहना योगी आदित्यनाथ का। हम फौरन लौटेंगे इस वक्त की बाकी बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।